समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाने वाले तीन सपा नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक्शन लेते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सपा नेता प्रदीप तिवारी, ब्रजेश यादव और पीडी तिवारी का पार्टी से निष्कासन कर दिया है। इन नेताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गलत नीतियों के तहत काम कराने का आरोप लगाया है और निशाना साधा था उन्होंने, जिसकी वजह से एक्शन लिया गया है। यूपी सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने लेटर जारी करके बताया है कि समाजवादी पार्टी के निम्न नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने तथा अनुशासनहीनता करने पर समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है, जिनमें प्रदीप तिवारी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी, ब्रजेश यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी योजन सभा और पुनेंद्र तिवारी उर्फ पीडी तिवारी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा का नाम शामिल है। बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे प्रदीप तिवारी ने सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बोला था। सपा को लेकर बगावत शुरू करते हुए प्रदीप तिवारी ने कहा था कि अखिलेश यादव ने पीडीए पार्टी बनाई है, अब नेताजी की समाजवादी पार्टी नहीं रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर सामान्य वर्ग से इतनी नाराजगी क्यों है। इसके अलावा समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने भी सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। ब्रजेश यादव ने कहा था कि अखिलेश यादव अपने कानों से नहीं सुनते हैं, वो दूसरे के कान से सुनते हैं। सपा से निष्कासित की गई ऋचा सिंह ने भी प्रदीप तिवारी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब डॉक्टर लोहिया की समाजवादी मूल्यों वाली पार्टी नहीं है, बल्कि धर्म और जाति के नाम पर द्वेष फैलाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।